हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। के गांव सोरखे में किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में इनेलो नेता अभय चौटाला भी पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार का मकसद सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना है। सरकार जो तीनों कृषि कानून लाई है वो न सिर्फ किसानों के खिलाफ बल्कि आम जनता को भी इससे नुकसान होगा। अभय ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले दावे किए थे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन अभी तक स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं की है, न ही किसानों की आय दोगुनी की है, लेकिन ऐसे कानून जरूर लेकर आए हैं जिससे पूरे देश का किसान परेशान हो गया है। वही केंद्र की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने इस लॉकडाउन के अंदर कैसे किसान को उसकी जमीन से बेदखल किया जाए, इसके लिए कृषि स्कीम का एक कानून बना दिए। आज लाखों लोग जो है देश के प्रधानमंत्री से इस बात को लेकर के बॉर्डर पे बैठ के मांग कर रहे हैं कि जो काले कानून आपने बनाए इनको वापस लो, एमएसपी का नया कानून बनाओ, अपने किए हुए वायदों को पूरा करो। हमारा देश का प्रधानमंत्री तो चुनाव से पहले कहता था किसान का कर्जा माफ करेंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, ये भी कहता था कि किसान की फसल का लागत मूल्य उससे 50% ज्यादा देंगे। ज्यादा देने की बजाय, कानून बनाने की बजाय ऐसे कानून ला करके लागू कर दिए जिससे सारे देश का किसान परेशान होता।